हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। डियर, आज रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर कब तक रिलीज होंगे। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी हुई है, उससे कब तक आपके पर्सन रिलीज हो सकते हैं। और देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन सभी के लिए अलग-अलग होगी। किसी के लिए उनके पार्टनर का फाइनेंसेस हो सकते हैं, किसी के लिए उनके पर्सन का जॉब या उनकी हॉबी हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की स्टडी हो सकती है, कुछ के लिए उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स वाइफ हो सकती हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका पार्टनर किस तरह की सिचुएशन में है, और रीडिंग में अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजुनेट नहीं होती हैं तो उनको रिलीज़ करिए। हो सकता है कि ये किसी और के लिए हो, तो आपके लिए जो मैसेज हो आप उनको लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिए। शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू सभी स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से कब तक रिलीज़ होंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या मैटर चल रहा है, करंट में थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, करंट सिचुएशन जो है आपके पार्टनर की, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब मैं क्या बोलूँ, आप अपने आँखों से देख लीजिएगा। आपके पार्टनर की सिचुएशन बहुत ही पैनिक है, बड़े दर्द में है ये, बड़ी तकलीफ़ों में है। और मुझे यहाँ से ये वाइब आ रही है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, क्योंकि ये पर्सन बहुत थक चुके हैं। थर्ड पार्टी को संभालते संभालते, उसकी ज़रूरतें पूरी करते करते, उसको बेटर ट्रीटमेंट देते देते ये थक चुके हैं। फाइनली ये खुद को अलग कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, और इन्होंने खुद को मेंटली उससे रिमूव करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की जो एनर्जी है, ये हमेशा मन को रिप्रेजेंट करती है, मन से संबंधित होती है। तो ये पर्सन खुद को थर्ड पार्टी से मेंटली डिटैच कर रहे हैं, मानसिक रूप से ये खुद को उस पर्सन से अलग कर रहे हैं। और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये खुद को अभी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट इनको अपनी लाइफ में महसूस नहीं हो रहा है। ये स्टक हैं एक जगह पर, इन्होंने जो किया है उसके लिए ये कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल सकें। काफ़ी पैनिक सिचुएशन में है, और यहाँ पर ये इंजर्ड हैं, या तो ये इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर इनके साथ कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट, कोई किसी तरह की मारपीट या किसी तरह के अब्यूज़ इनके साथ हुआ है। तो ये इस वक्त काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, काफ़ी दर्द में है, तकलीफ़ में है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी, और इसके नीचे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है, लेकिन इनको उम्मीद है कि एक दिन ये सारी चीज़ें सेट होंगी प्रॉपर और इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। चेक करते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं और ये आपके बारे में सोचते हैं, तब ये क्या महसूस करते हैं आपको लेकर। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, लेकिन मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ फायर। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये बता रही है कि ये आपसे
गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और आपको हाले दिल बताना चाहते हैं। ओ माय गुडनेस, इसके नीचे है चैरियट एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत क्रेविंग है इनको आपको लेकर। टेन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन से टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, यहाँ भी टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है। क्वीन ऑफ वाटर्स, ये आपको लेकर सोचते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं जो काइंड हैं, दूसरों के साथ दिल से जुड़ते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। मे बी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए लेकिन आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकती हैं। मे बी आपके अंदर एक गिवर एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो हमेशा लोगों को पीस, खुशियाँ देने में बिलीव करती है। क्योंकि आपका ये मानना हो सकता है कि एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, कोई कुछ अपने साथ लेकर नहीं जाता है, सिर्फ ब्लेसिंग्स जो लोग हमें देते हैं वही हमारे साथ जाती हैं। मैसेंजर ऑफ वाटर, आपके लिए मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रहा है। वाटर एनर्जी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की और यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। तो आपके या आपके पार्टनर की इनमें से कोई राशियाँ हो सकती हैं। यहाँ ये आपके लिए मैसेज मुझे लिखते हुए दिखते हैं कि मैसेज टाइप करते हैं, लिखते हैं, ईमेल टाइप करते हैं, बट फिर नीचे तक आते आते जैसे ही ईमेल पूरा होता है उसके बाद ये ईमेल को डिलीट कर देते हैं। कुछ उधेड़ बुन में चल रहे हैं इस वक्त। एट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए टेन ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ सॉर्ड्स, दो कार्ड सिमिलर यहाँ पर आए हुए हैं ऊपर वाली एनर्जी से। इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, इनको क्या करना है, थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं। हालांकि ये अपने ईगो के चलते आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अपने गार्ड्स, अपने बाउंड्री को रिलीज़ करेंगे तो आप दोनों के रास्ते खुल जाएंगे, ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा छुपा नहीं सकते हैं आपसे, क्योंकि ये अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। ये आपसे दूर भी नहीं रह सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी नहीं छुपा सकते हैं। फॉर्चून्स व्हील, ये डिस्टाइंड कनेक्शन है आपका इनके साथ। इनको ये एहसास होता है कि इनका रिश्ता आपके साथ ईश्वर ने, प्रकृति ने बनाया है, ये बेमिसाल है। ये इस तरह की फीलिंग्स में आपको लेकर रहते हैं। चलिए चेक करते हैं कि ये कब तक थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे, कब तक ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल पाएंगे। लेट्स चेक, गाइड करें यूनिवर्स, ये पर्सन थर्ड पार्टी से कब तक निकल पाएंगे। थैंक यू। ओ माय गुडनेस, अगेन से नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन थर्ड पार्टी से कब तक निकल पाएंगे। तीन डेक से नाइन ऑफ सॉर्ड्स की और एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। टेन ऑफ सॉर्ड्स की, टेन ऑफ वॉन्ड्स, कब तक ये निकल पाएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से। द मैजिशियन, जजमेंट, यहाँ पर ये मेजर अरकाना है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं फोर डेज। सम ऑफ यू जो बहुत लकी हैं उनके लिए मुझे यहाँ चार दिन दिख रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर हफ्ते दिख रहे हैं। नाइन वीक्स, नौ हफ्ते। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर वन ईयर दिख रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ के लिए मुझे चार दिन से लेकर चार महीने, कुछ के लिए मुझे नाइन वीक्स और कुछ के लिए मुझे वन ईयर का टाइम दिख रहा है यहाँ पर। एंड जजमेंट एंड मजिशियन, पावरफुल कार्ड निकल कर आए हैं और उसके बाद टेन ऑफ
पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ओ माई गुडनेस, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। पासा आपके हिस्से में आने वाला है, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपके पास ही वापस आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोई और इनकी आत्मा को सुकून नहीं दे सकता है। और यहाँ पर देखिए, ये ट्री ऑफ फैमिली है, ट्री ऑफ फैमिली है और ट्री ऑफ लाइफ है। तो ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट करेंगे फैमिली को, इस ट्री ऑफ लाइफ को पूरा करेंगे। ये आपको देखकर ये महसूस हो रहा है मुझे कि ये पर्सन आपकी ओर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पावर में हो, आप अपने गट्स में हो। ये आपको बहुत एडमायर करने लगे हैं आजकल। आप इनकी नज़र में बिल्कुल एक हूर बनी हुई हो, एक बहुत ही पावरफुल शेरनी बनी हुई हो, तो ये आपकी ओर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो डियर, ये है आपके पार्टनर की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से मैसेजेस मिले हों, आपको क्लैरिटी मिली हो। मैसेज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।